हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इग्नो का जो ग्रेड कार्ड किस तरह से चेक कर सकते हैं। इग्नो ग्रेड कार्ड का मतलब ये होता है कि आपका जो असाइनमेंट और एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो एक साथ शो करता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं और असाइनमेंट में आपके कितने मार्क्स हैं। तो आपको ये अपना स्टेटस है वो ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि आपको अपना जो मार्किंग है, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो पता लग सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको मिल सकें। आपको गूगल पे सर्च करना है इग्नो ग्रेड कार्ड। इग्नो ग्रेड कार्ड जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको नीचे मिलेगा इग्नो रिज़ल्ट ग्रेड कार्ड स्टेटस। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये वेबसाइट आ जाएगी। ग्रेड कार्ड का जो स्टेटस है यहाँ पर, अगर आपके BCMC है तो ये वाले पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं यानी कि जिनका सिंपल BA थी चार सब्जेक्ट वाली, तो BA BCOM BSc के लिए ये हो गया। और अगर आप अभी 2019-20 के बाद के स्टूडेंट हैं तो आपको नीचे वाले सभी प्रोग्राम्स के लिए नीचे वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो मैं आपको एक तो पहले BA ओल्ड वालों को चेक करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम का जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। BA का स्टेटस चेक करते हैं, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा आपका इग्नो का स्टेटस। तो आपके जो असाइनमेंट आपने जमा कराए थे उसमें से आपको इस सब्जेक्ट में 56 मार्क्स मिले हैं और आपने जो थ्योरी का एग्ज़ाम दिया था उसमें 52 मार्क्स हैं। तो इसका जो स्टेटस है वो कम्प्लीटेड यानी कि पास है। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर शो किया गया है कि आपको कितने नंबर मिले हैं असाइनमेंट में और साथ ही आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा स्टूडेंट जो कि नए वाला BA वाला है तो उसका चेक करके दिखाता हूँ। तो अदर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। अगर आप 19-20 के बाद के स्टूडेंट हैं तो BAG हो गया BA के लिए, BCOMG ये वाला हो गया BCOM के लिए और BSc के लिए। और अगर आप अदर कोई प्रोग्राम यानी कि BMA वगैरह कर रहे हैं तो आप अपना यहाँ पर प्रोग्राम कोड सिलेक्ट कर लेंगे। तो BAG का सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालते हैं। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेटस दिखा देगा। तो इनका अभी तक थ्योरी का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर नहीं आया अभी तक, क्योंकि इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एग्ज़ाम दिए थे। तो असाइनमेंट जमा हुए इनके काफ़ी दिन हो गए तो यहाँ पर असाइनमेंट का स्टेटस शो कर रहा है। तो असाइनमेंट में इनके अच्छे नंबर आए हैं, 72 मार्क्स आए हैं, 74 हो गया, 62 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। और स्टेटस इधर जो शो कर रहा है ये नॉट कम्प्लीटेड इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है। तो जब मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पर शो कर देगा कि आप पास हो या फेल हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उनको भी बताइए कि आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं इस तरह से। थैंक यू दोस्तों। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आपको मिल सकें। और अगर आप फ्री असाइनमेंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहें और हम आपको फ्री में असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं इस चैनल पर। अगर आप PDF फाइल मंगवाना चाहते हैं तो 20 रुपये की PDF फाइल आपको सोल्ड असाइनमेंट की देते हैं। और साथ में अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट की PDF लेना चाहते हैं तो वो भी हम 50 रुपये के हैंड रिटन असाइनमेंट की PDF आपको सेंड करते हैं। थैंक यू दोस्तों।